हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 9th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 6 आपका लाइंस एंड एंगल्स में सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4th को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आंसर द फॉलोइंग है आपका इन वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा वहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा, देन सेक्शन सी और सेक्शन डी, आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा आगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वन मार्क्स वाले हैं आपके वर्कबुक पेज नंबर 40 के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर बोला गया है एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन डैश इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो बोला गया ऑप्टिज एंगल किसको कहते हैं, दैट मीन्स ऐसा एंगल जिसको दैट मीन्स जिसके बिटवीन में क्या हो 90 से 180 के बीच के जितने भी एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिज एंगल। सिंपल सी बात है, एन एंगल ऐसा एंगल विच मेजर बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में मेजर होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिज एंगल। सिंपल है ये तो। आगे एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन डैश इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 से 360 के बीच में अगर कोई एंगल है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे दैट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो एंड लिख सकते हो। ठीक है, तो एंड यहाँ पे 180 टू 360 भी आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे आप एंड लिखना चाहे तो यहाँ पे एंड लिख दो चलेगा। द मेजर बिटवीन 90 एंड 180 एंड लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो एंड लिख दीजिए, ए एंड डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज डैश। अगर आप कोई भी लीनियर पेयर जो भी एंगल है उनका सम करते हो लीनियर पेयर का तो वो आते हैं आपके 180 डिग्री। लीनियर पेयर 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट है आपका 4th, एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड डैश। अगर मान लो कोई एंगल आपको गिवन है और वो एग्जैक्टली 180 डिग्री है तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो आंसर आपका आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन 4, 5th देखते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। तो ईच सपोज ये आपका क्या है, यहाँ पे दो दैट मीन्स पैरल लाइन्स हैं, यहाँ पे पैरल लाइन हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, अब यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो बोला गया है कैसे होते हैं, दे आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो ये आपका हो गया आर इक्वल। 6th नंबर है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरल लाइन, मान लो अगर कोई एक ट्रांसवर्सल जो है टू पैरल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन बोला है देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल लेइंग ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखो ये जो पेयर आया सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल ये कैसे होते हैं, दैट आर द आर। तो बोला गया है तो दैट आर दे आर द सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री। चलिए नेक्स्ट है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश। तो अगर कोई ट्रायंगल गिवन है उसके एंगल का सभी एंगल का मान लो सम करोगे तो वो कितना आता है, सिंपल सी बात है 180 डिग्री आता है, तो आंसर हो जाएगा। आगे 8th नंबर, अ ट्रायंगल हैज डैश एक्सटीरियर एंगल इन ऑल। तो एक एंगल दैट मीन्स ट्रायंगल के अंदर कितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं, देयर आर 6 एक्सटीरियर एंगल, तो 6 हो जाएगा आंसर। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री इज आर कॉल्ड, दैट मीन्स ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करो 90 डिग्री आ जाए तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2nd, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, दो एंगल्स ऐसे जिनका सम 180 डिग्री आ जाए तो ऐसे को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो आप लिख दोगे सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 यहाँ पे कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन फोर में आपका वन सेंटेंस या वन वर्ड में राइट करना है आंसर द फॉलोइंग बाई अ नंबर और अ वर्ड और अ सेंटेंस। तो पहला है द मेजर ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7, फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटर एंगल आपको बताना है। दो एंगल का रेशियो आपको यहाँ पे गिवन है 3:7। तो सपोज मैं फर्स्ट एंगल ले लेता हूँ, वो मेरा हो जाएगा 3x, दूसरा क्या हो जाएगा 7x ऐसे एंगल में। अब इन दोनों एंगल का सम करोगे तो क्या आएगा, कम्प्लीमेंट्री है मतलब इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री आएगा। तो 3x प्लस 7x इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 90 डिग्री। तो 3 और 7 कितने होते हैं 10x इज इक्वल टू आपका 90। सो दैट x इज इक्वल टू 90/10 मतलब आपका क्या आ जाएगा 9 आया। अब 9 में दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, तो दोनों में से एंगल छोटा कौन हुआ यहाँ पे, ठीक है ये वाला। तो अब अगर यहाँ पे आप इस तरह से करते हो, अगर ये वाला फाइंड कर लेते हो, ठीक है 3 × 9 यहाँ पे 9 3 जा 27, ये आपका एंगल हो गया। दूसरा यहाँ पे 7 6 जा 7 9 जा 63, तो इसमें क्या बोला है ग्रेटर एंगल। तो ये 27 आपका लेस वाला हो गया और ग्रेटर बड़ा वाला एंगल कौन आया आपका 63, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ग्रेटर एंगल पूछा था तो ग्रेटर एंगल कितना है 63 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो, दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो, यहाँ पे अभी ऊपर कम्प्लीमेंट्री था, यहाँ पे सप्लीमेंट्री दे दिया गया, रेशियो चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ग्रेटर एंगल फाइंड करना था तो यहाँ पे स्मॉलर फाइंड करना है, इतना सा चेंज है। तो इसको हम 5x और दूसरा 7x दोनों का सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री है तो मतलब क्या आएगा सम इसका 180 डिग्री ले लोगे। बस 7 और 5 आपका कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180/12 बराबर, ये आपका इतना आ गया। अब इन दोनों को आपको कट करना है तो चलिए यहाँ पे चलो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 60/4। अब यहाँ पे इसको वापस से कट कर दो, 4 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आ गया आपका 15 4 जा 60 भी, तो 15 आ गया x। तो इन दोनों में रख दो तो 5 × 15 और दूसरा एंगल है 7 × 15, यहाँ पे 75, 15 5 जा and 15 7 जा 105, तो दोनों में से लेस कौन हुआ 75 वाला, तो 75 स्मॉलर एंगल लिखना है तो हम स्मॉलर एंगल 75 को लिखेंगे, 105 ग्रेटर हो गया उसमें। आगे फाइंड द मेजर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विथ मेजर 22 डिग्री, तो 22 डिग्री का आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है मतलब 90 में से माइनस कर देना है आपको 90 − 22 डिग्री। अब सब्ट्रैक करोगे तो 10 यहाँ पे बनेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो 6, दैट इज 68 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल है 68 डिग्री। नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विथ मेजर 57। अब सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब 180 में से आपको माइनस करना है, 180 − 57 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 123 डिग्री, ठीक है तो 123 डिग्री आपका आ गया है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देखते हैं, फिफ्थ में बोला गया द मेजर ऑफ एन एंगल इज 40 टाइम द मेजर ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल का मेजर जो है वो 14 टाइम है उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल का, ओके देन फाइंड द मेजर ऑफ दैट एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि वो कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है। तो सर लेट बी कम्प्लीमेंट्री एंगल x हो गया तो दूसरा वाला एंगल उसका 14 टाइम्स हो गया मतलब 14x हो गया, इस तरह से होगा बराबर इतनी चीज़ें। अब आगे बोला है तो फाइंड द मेजर ऑफ दैट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल है मतलब दोनों एंगल का अगर आप सम करोगे तो 90 डिग्री आएगा, तो 14x प्लस ये 1x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 14 प्लस 1 दैट इज 15x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90/15, ठीक है तो 15 6 जा 90, तो x इज इक्वल टू 6, तो कम्प्लीमेंट्री जो एंगल था वो आपका कितना आया 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपको तो 14, यहाँ पे 14 × 6 करोगे तो देखो 84 डिग्री आपका ये आ जाएगा, तो एक 6 दूसरा 84 आया आपका। तो बोला है फाइंड द मेजर ऑफ दैट एंगल, तो वो एंगल आपको बताना है, तो कितना डिग्री आपका यहाँ पे आ गया 84 डिग्री, तो ये हमारा 84 डिग्री एंगल हो गया। ये तो हमारा कम्प्लीमेंट्री था, हमें तो जो एंगल बोला वो फाइंड करना था, तो 84 डिग्री आपका आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट है
फाइंड द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर विथ 62 डिग्री। ऐसे ऐसे वाले सम में मैंने आपको क्या बताया था, ये जो 62 है यहाँ पीछे से चलने का, पहले इसका क्या करने का, कम्प्लीमेंट्री फाइंड करो, जो एंगल आए उसमें से उसका सप्लीमेंट्री फाइंड कर दो। मतलब पहले कम्प्लीमेंट्री है तो 90 में से माइनस करोगे, तो 90 माइनस करोगे 62 डिग्री, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 28 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री बोला है इसके बाद, मतलब 180 माइनस 28 कर देना है, तो 28 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1, तो दैट इज़ 152 डिग्री, ये आंसर। अब यहाँ पे सेम इसका उल्टा दिया गया है, पहले देखो फाइंड द मेजर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ विथ मेजर 133। पहले इसका क्या करो, सप्लीमेंट्री फाइंड करो देन कम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री पहले देखो पीछे से जाना है, तो सप्लीमेंट्री आया मतलब 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस क्या आएगा आपका 133 डिग्री, कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे ये 7, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये आपका 47 डिग्री आ गया। अब कम्प्लीमेंट्री है इसके बाद, तो 90 माइनस 47 कर देना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 4, दैट इज 43 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर 43 डिग्री। नेक्स्ट, इन अ ट्रायंगल PQR, P इज इक्वल टू 58, Q इज इक्वल टू 72, देन एंगल आपको R फाइंड करना है। काफ़ी सिंपल है, एक ट्रायंगल में PQR में दिया है, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है ट्रायंगल में, 180 डिग्री। P है 58, Q है 72, प्लस R हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दो और उस सामने ले जा कर सब्ट्रैक कर दो, 180 माइनस 82 कितना हो जाएगा 10, एंड 75 12 एंड 113, तो सब्ट्रैक करोगे तो कितना डिग्री आ गया, एंगल R इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे 50 डिग्री। नेक्स्ट है, ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABC। तो देखो एक ABC एंगल है आपका, ट्रायंगल है। अब ABC, अब इसमें से ACD जो है, ये जो D है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, बराबर। इतना बोला गया है, इफ़ ACD इज इक्वल टू 123, अगर ये 123 डिग्री है, देन आपसे बोला गया है A इज इक्वल टू 86 है, लो रख दिया, देन फाइंड B, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो देखो एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम होगा, मतलब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू A आएगा आपका 123। एंगल A कितना है 86, तो एंगल B हमें फाइंड करना है, तो 86 को सामने ले जाओ और सब्ट्रैक्ट कर दो, 123 माइनस 86। तो देखो यहाँ पे 13 बनेगा 6, यहाँ पे इससे से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपसे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा तो 3, तो दैट इज़ एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो सिंपल था ये 37 डिग्री। नेक्स्ट है, द मेजर ऑफ टू कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 5x माइनस 20 एंड 3x प्लस 40, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और बाद में ग्रेटर एंगल आपको बताना है। ग्रेटर एंगल दोनों में से फाइंड, दोनों एंगल को फाइंड करोगे जो ज़्यादा आएगा वो ग्रेटर एंगल होगा। तो पहले देखो ए वाला एंगल और ए वाले एंगल, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको क्या गिवन है, सप्लीमेंट्री बोला है, तो इन दोनों का एंगल का सम ले लेना है आपको। देखो 5x माइनस 20 देन प्लस आगे क्या है 3x प्लस 40 इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। एक्स एक्स वाले को ऐड करो, 5 और 3 8x, एंड यहाँ पे 20 और ए प्लस 40 है, तो सब्ट्रैक करोगे तो प्लस में 20 आ जाएगा 180 डिग्री। इसको इधर ले जाकर सब्ट्रैक कर दो, तो 180 माइनस 20 करोगे तो 160 आ जाएगा। सो दैट x इज इक्वल टू 160 बाई 8, 8 2 जै 16, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, तो 20 डिग्री आपका x आ गया। ये आपका एंगल पहला वाला था, ये एंगल दूसरा वाला था, दोनों में रख दो। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं 5x माइनस 20, 5 × 20 माइनस 20, तो 5 × 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 20, दैट इज 180 डिग्री। अब 3x प्लस आपका 40 है, तो 3 × 20 प्लस 40, तो देखो 3 × 2 = 6 + 4, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 100 डिग्री। ठीक है, तो 100 यहाँ पे आ रहा है, एक 80 आ रहा है, तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ, 100 वाला,
तो 100 आपका आंसर आ जाएगा। ग्रेटर एंगल लिखना है इसके लिए, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा 100, तो 100 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 6 का सेक्शन ए में। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।